द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। इन दिनों प्रदेश की आबोहवा में ठंड कुछ कम होती दिख रही है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। इससे लोगों के चेहरे मुस्कुराने लगे हैं। वहीं कुछ ही समय पहले बसंत ऋतु का भी आगमन हुआ। इससे माहौल में सकारात्मकता बढ़ने लगी है। ऐसी ही कुछ सकारात्मकता इन दिनों राजस्थान कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है। जैसे जैसे प्रदेश में मौसम का तापमान बढ़ रहा है, उसी तरह राजस्थान कांग्रेस में भी रिश्तों में जमी हुई बर्फ पिघलने लगी है। पिछले दिनों जहां सचिन पायलट की किसान महापंचायत के पोस्टरों में फिर से सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के चेहरे नजर आए, वहीं गहलोत खेमा भी लगातार इस ओर सकारात्मक पहल कर रहा है। कुछ समय पहले ही सीएम गहलोत ने सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा के सरकारी आवास मामले में राहत दी थी और अब मुख्य सचेतक महेश जोशी ने पायलट गुट के विधायकों की सदस्यता रद्द करने संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट में वापस लेने का आग्रह किया है। संकेत साफ है कि सचिन पायलट फॉरगिव एंड फॉर फॉरगेट की नीति पर चलते हुए आगामी उपचुनाव के लिए पहले की तरह सीएम गहलोत के नेतृत्व में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वैसे भी एक पुरानी कहावत है कि पानी में उठ रहे बुलबुलों को शांत करना है तो उसे कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए, और सियासत के अनुभवी खिलाड़ी अशोक गहलोत ने इसी कहावत के जरिए अपने विरोधियों को मात दी है।